अर्चना जी, आजकल बधाई देना बड़ा इजी हो गया मैंने देखा। अब व्हाट्सएप खोलो, खाली कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो, साथ में गुलदस्ता, वाइन की बॉटल, गुब्बारे आ जाते हैं अपने आप। ये आजकल की जो जनरेशन ऐसे बधाइयां देती है। अर्चना जी का सही है, ये पुराने वाली जो बधाई देने का तरीका वही अपनाती है, सामने से पार्टी को दबोचती है, बधाई हो, और फिर कॉलर पकड़ के उससे बधाई निकलवाती हैं ये। लेकिन आज जो मेहमान आ रहे हैं, आज आप प्लीज ऐसा मत करना उनके साथ। कौन है? पता क्यों? क्योंकि एक तो फिल्म का नाम भी है बधाई दो, और उनसे तो प्लीज आज बाद में देख लेंगे। तो जो ये फिल्म आ रही है बधाई दो, उसके जो लीड कलाकार हैं और डायरेक्टर साहब है, आज हमारे बीच मौजूद हैं, एक एक करके उनको मंच पे बुलाते हैं। तो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम भूमि पेड़नेकर एंड मिस्टर राजकुमार राव। वाह, क्या मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात है, माहौल जम गया, माहौल जम गया। सीधे रिसेप्शन से भैया भाभी यहाँ पधार रहे हैं, वाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। पापड़ी लगी हुई है मुंह पे, अभी भी पापड़ी खा गए हैं? पापड़ी चाट, पापड़ी चाट खा गए हैं। अरे इतनी बॉडी बनाई उसके बाद खाने का मन करता है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, आपको तो पता ही होगा। पर आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू। ट्रेलर भी क्या कमाल का, वाह। एक तो आप वैसे इतनी खूबसूरत हैं, ऊपर से साड़ी आपने क्या कमाल पहनी, वाओ, क्या लिखा हुआ है इसपे? इसपे लिखा हुआ है लव इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारी फिल्म लव को सेलिब्रेट करती है। हमारी फिल्म का मानना है कि लव इज लव, यू शुड हैव द फ्रीडम टू लव हूएवर यू वांट इन ऑल फॉर्म्स, इन ऑल फॉर्म्स। अब पता, मैंने एक चीज नोटिस की है, मैं जब जब आपकी शो पे साड़ी पहन के आई, वो सारी फिल्में मेरी चल गई हैं। पहले बता दी भाई पहन क्या था कस्टम बन गया है कि मैं आपके शो पे सिर्फ साड़ी पहन कर आऊंगी। Awesome. क्या बात है, अब ये नहीं आपने नोटिस किया जो हमने गुब्बारे लगाए? क्या बधाई दो, बधाई दो। हमारा मुंह दुख रहा है, गुब्बारे फुला फुला मर गए हम सारी रात। 6,000 रुपए का खर्चा हुआ है हमारा, रेडीमेड 20,000 के मिले थे, हमने कहा कच्चे दे दो हम फुला लेंगे। पर उन्हें सीरियस नोट, बहुत कमाल का ट्रेलर है बधाई दो का, बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। जैसे इनकी फिल्म का टाइटल है बधाई दो, वैसे हमारी अर्चना जी भी बधाई का कोई मौका नहीं छोड़ती, किसी की शादी हो, ओ माय गॉड घड़ी चल रही है बधाई दो। एक का तो बेचारे का ब्रेकअप हो गया, उसको फिर चली गई, मुबारक हो, कहता किस बात की मुबारक हो, अरे दोबारा से सिंगल हो गए, बधाई दो। एक बात बताई राजकुमार, आपने हमने फोटोग्राफ्स भी देखी, इंस्टा पे भी देखी आपकी, आपने बड़ी अच्छी बॉडी बनाई है, ना तो आप भूमि से रोमांस करते नजर आ रहे हैं ट्रेलर में, ना आप कोई गुंडों को पीट रहे हैं। बोला नहीं आपने डायरेक्टर से कि मेरे को क्या सिलेंडर उठवाने के लिए मेरी बॉडी बनवाई है? इतनी अच्छी बॉडी बनाई तो कुछ मतलब नहीं, सही बात है आपकी, एक्चुअली मैं भूल गया, पूछना चाहिए था। लेकिन फिल्म में जो ना एक बहुत कारण है उसके पीछे, ज्यादातर हम क्या देखते हैं फिल्मों में, एक्ट्रेस बॉडी बनाते हैं, वो बनाते हैं अच्छी लगती है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इस फिल्म में इसने बॉडी बनाई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वो क्यों बॉडी बना के घूम रहा है फालतू में। बट आई रियली फील कि लोग राज को एक बहुत ही नए अंदाज में देखेंगे इस फिल्म में। इतनी बॉडी बनाई है, उसके लिए राज को बधाई दो उसके लिए। अच्छा, राजकुमार को दो दो बधाइयां बनती है फिल्म के लिए, तो बनती हैं, मेरे भाई की शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, दम लगा के हैशा में जो भूमि है, ये आयुष्मान से शादी होती है इनकी, टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय कुमार से शादी होती है, पति पत्नी और वो में इनकी कार्तिक से शादी होती है, बधाई दो में इनकी राजकुमार से शादी होती है, और जब भी इनकी शादी होती है उसके बाद से इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यही रीजन तो नहीं आपका, कभी हमने कभी अफेयर ही नहीं सुना कोई, आप सच्ची में कोई अफेयर है ही नहीं कि आप पकड़ी नहीं जा रही हैं आप? बता दे। नहीं, पब्लिक आई में मेरा कोई अफेयर नहीं है। फेयर एनफ, फेयर एनफ। बहुत अच्छा, मतलब मेरे को तो बड़ी खुशी हुई इस बात की, करना भी मत। अच्छा, आपने देखा होगा शादी से पहले जितनी भी फिल्में आई राजकुमार की, चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक दूसरे को मार काट रहे हैं, दूसरी फिल्मों में ये लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, शादी हुई उसके बाद फिल्म आई, सडनली उसमें बोलते हैं मेरा लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई साहब, ये कोई सामाजिक दबाव है या पत्नी दबाव है, ये क्या सडनली ये चेंज कैसे? ये सिर्फ आप ही सोच सकते थे ट्रेलर में, किसने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा ये एंगल। बहुत अच्छी बात है, पर एक बात फिल्म के लिए ठीक है, आगे तो आपको खुल के आना ही पड़ेगा भाई साहब। मैं आपके जैसा नहीं हूँ, पत्र लेकर, और हम आपका शो देखते रहते हैं, वो बोलती है कि सब कुछ बनना पर इस आदमी जैसा मत बनना। जो लड़के उससे फ्लर्ट कर रहा है, जो लड़के उससे फ्लर्ट कर रहा है। बिल्कुल भाई साहब, 50 दिन आप भूमि के साथ काम करके आए हो, हमने अपने शो में अगर 10-15 मिनट फ्लर्ट कर लिया, गरीब की आप मजबूरी समझो।
अच्छा आप सबको मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता दूं, भूमि ना पहले कास्टिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। भूमि कभी ऐसा हुआ है कि आपके बैग से कोई फोटो निकला हो किसी एक्टर का और घर वालों ने समझा हो कि ये बॉयफ्रेंड तो नहीं है, या फिर कोई सच्ची मुच्ची रिश्ते के लिए फोटो आई हो और आपने स्ट्रगलिंग एक्टर समझ के काम दिलवा दिया? यार पता है मेरे लिए कोई रिश्ते ही नहीं आते हैं। मैं तो कभी अपनी मम्मी को बोलती हूँ, आपको नहीं ऐसा मन करता कि आप यू नो बाकी मदर्स जैसे मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढो, कोई यू नो ऐसे फोटोज लाओ? मेरे लिए लाते ही नहीं है। अगर मैं किसी लड़के का फोटो ले जाऊँ घर पे, वो हंस देंगे मुझ पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो ऐसे शादी करेगी ही नहीं। कैसे करेंगी आप शादी? वो मुझे तू क्यों इतना इंटरेस्टेड है? मेरी वाइफ ने बोला था भूमि से पूछ के आना, बस खुश। मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक्चुअली फिल्मों में जैसे दिखाते हैं मैं भाग के शादी कर लूं। किसके साथ पता नहीं पड़े। कोई है भागना चाहता है भूमि के साथ? यहाँ पे हाथ खड़ा करना चाहता है, देखो कितने लोग। भाई साहब आपने हाथ अब खड़ा किया कि मैं भूमि के साथ भागना चाहता हूँ। अगर आप पहले भाग लेते ना थोड़े फिट हो जाते, फिर शायद भाग भी जाती है। अभी पेट मत खींचिए अंदर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, विराजमान हो जाइए। अच्छा इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना, इस तरह की फिल्मों का जब टेंडर खुलता है ना, सबसे पहले आयुष्मान खुराना लपक लेते हैं, है ना? ये अलग सब्जेक्ट है, बड़ा मजेदार है। सबसे पहले आपको इस स्टोरी में क्या पसंद आया राजकुमार? बहुत ही प्यार से लिखी गई एक कहानी है, और ऐसी कहानी जो पर्दे पर आनी चाहिए जी। और आई थिंक उसको अगर ह्यूमर के साथ कहो तो अपनी बात कहना चाह रहे हो, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। राइट, तो जिस तरह का सिनेमा ऋषिदा बनाया करते थे, राइट, या फिर बासुदा बनाया करते थे, उसी पहलू में ये एक फिल्म है जो हंसाते साथ आपको कुछ कह जाएगी। और वाकई अगर कोई मुद्दे की बात, सीरियस बात आप हंसी मजाक में कह देते हो बिना किसी को हर्ट किए, तो वो बात का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इस फिल्म में जैसे आप अपनी बॉडी को देख के शीशे में पोज बना रहे ना, बहुत बार ऐसा होता है ना, स्पेशली एक्टर्स लोग के साथ तो होता ही है, जैसे अनिल सर बड़ा करते हैं, अकेले हो ना यूं करते रहते, कोई आ जाए तो फिर बदल जाए। आप करते हो अकेले में? नहीं, मुझे अपने आप को शीशे में देखना इतना अच्छा लगता नहीं है ऑनेस्टली। उसका ये रीजन है कि मुझे लगता है कि ये कौन है। अच्छा, मैं हाँ, जब बॉडी बिल्डिंग का टाइम था जब इस फिल्म की शूट करते, तब मैं देखता था कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ कितने पैक हैं और चेस्ट का क्या हाल है। उसके अलावा नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं। फिट तो आप पहले से ही बहुत थे, इस फिल्म के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर दी है? एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, तो मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बट हमारे डायरेक्टर वगैरह सब बैठ के एकदम मीठे में क्या है आज, मूंग दाल कलवा ले आओ, बॉइल्ड ब्रोकली खा रहा होता था, तो उनको भी बुरा लगता था बेचारों को। और जब फिल्म खत्म हुई उसके बाद पता है उसने क्या खाया है? 2 किलो, 5 किलो, 5 किलो छेना मुर्गी। मुर्गी क्या? I love छेना मुर्गी। कौन सी छेना मुर्गी की बात कर रहे हो? छेना मुर्गी जो भाग के पकड़ते हैं, वो वाली नहीं मुर्गी। ये होती है जो पनीर की बनती है। अच्छा, ये फिल्म की शूटिंग कहाँ करी आपने? हमने देहरादून में। अच्छा, देहरादून में और थोड़ा बहुत गोवा में कुछ किया है। एंड हरिद्वार, माय होम टाउन। इन्होंने आपको एक बार भी इनवाइट नहीं किया आप मेरे शहर में आ जाओ? अरे मैं इस शहर में हूँ तो वहाँ कैसे इनवाइट करूंगी। तो जब ये दो स्टार आपके शहर में, आपके रिश्तेदार तो होते हैं, बोल देंगे चलो चले जाओ। अरे नहीं, जब से स्टार बनी रिश्तेदार कर दी, खबरदार अगर मुझे फोन किया तो मैं फिल्मों में आ जाऊं। इन्होंने रिश्तेदारी छोड़ दी है। जब से मैंने एक्टिंग शुरू की, मेरे एक भी कोई टीवी का कुछ नहीं, फिल्म कोई भी देहरादून मसूरी में शूट नहीं हुआ। अब्रॉड तो हुआ है ना? अब्रॉड हुआ है बहुत बार। आप मेरी कहानी जानते हो? जब से मैंने करे, नॉट इवन वंस, मैं हमेशा, अब तो ये होगा कि ठीक है यार, अगर लोकेशन लंदन हुई बिना स्क्रिप्ट पढ़े हाँ बोल दूंगे। आपने तो नॉर्थ में बहुत सारी फिल्में करी ना, सारी ऐसा कोई सारी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा हिंदुस्तान का जहाँ मैंने शूट नहीं किया। अच्छा, आपने देखा इस फिल्म में भूमि स्कूटर चला रही है, मेरे को आपसे एक बात पूछनी है। जी, सब लड़कों के बिहाफ पे, सब लड़कियों के लिए क्वेश्चन है, जब कंपनी ने ब्रेक दी है, दो ऊपर है एक नीचे है, तो लड़कियां पैर से क्यों स्कूटर रोकती हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं था नीचे भी एक ब्रेक होता है। ये तो मेरे लिए रेवलेशन थी। उससे पहले आपने स्कूटर नहीं चलाया था कभी? नहीं, पहली बार चलाया था, और हर टेक के पहले ना ऐसा माहौल हो जाता था, सब हटो रास्ते से, हटो ब्लॉक टना रोज, ये किसी के अंदर भी अपना स्कूटर घुसा सकती, सब कंट्रोल करो। मैं बहुत किसी में आपने स्कूटर बहुत बार अपने क्रू के लोगों पे, क्रू के लोगों पे, दीवारों पे, खुद गिरी हूँ, बहुत कुछ हुआ है। और मेरे डायरेक्टर भी ऐसे थे ना, मतलब चुन के, जो सबसे टफ होती है ना रोड, जिसपे इतना स्लोप है कि मतलब इतना ही था। एक सेकंड, मसूरी की रोड कितनी टफ है, वहां पे मुझे नहीं चला, और लंबे लंबे शॉट ले जा रहे, मैंने कहा ये तो खतरों के खिलाड़ी हो गया मेरे साथ। छलांग में राजकुमार पीटी टीचर बने हैं, इस फिल्म में ये पीटी टीचर बनी है। स्कूल में ना मैं पीटी टीचर से बड़ा भागता था, बिना मतलब के दौड़ाने लग जाते थे। और पीटी टीचर भी मैंने देखा है, जब तक नौकरी नहीं लग जाती ना तब तक फिट होते हैं, एक बार नौकरी लग गई ना उसके बाद वो भी पेट छोड़ देते हैं।
फिर स्कूटर पे जा रहे होते, मुड़ना हो ना तो पहले पेट इधर करते हैं, फिर स्कूटर मोड़ते हैं। और फिर मोड़ काट के फिर पेट छोड़ते, पेट सीधा जाके स्पीडोमीटर पे लगता है। आप स्कूल में जब थे दोनों, आप पीटी क्लास अटेंड करते थे? वो तो मॉर्निंग में होती ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, सब ये वो है ना, प्रेयर टू थ्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिद्दत से। हमारे लिए तो कंपलसरी था, मैं सारी स्कूलों में कंपलसरी होता है। मेरे को मैथ वाले टीचर से बड़ा डर लगता था, इंग्लिश वाले से, तो मैं हमेशा बोलता था काश कुछ ऐसा हो स्कूल बंद हो जाए। वो मेरी 25 साल बाद मन्नत पूरी हुई जब मैं स्कूल से निकल गया। मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि पेंडेमिक आए, पर होता है ना बचपन में हम सोचते जाते हैं। मुझे पता है प्रमोशन करना फिल्म कंप्लीट करने से ज्यादा मुश्किल काम है। फिल्म में आप एक अपने कैरेक्टर में रहते हो, मजा करते हो शूटिंग पे, प्रमोशन करने के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉमन सवाल क्या है जो आपसे पूछा जाता है? दो तीन है। एक तो ये कि क्या क्या प्रैंक हुए सेट पे, ये बताइए। क्यों कर, हम काम करने गए थे प्रैंक ही बोला। मैंने बोला भाई किसी के करोड़ों रुपए लगे होते हैं, हम वहां पे प्रैंक करने नहीं जाते, हम बहुत ईमानदारी से सीरियसली काम करने जाते हैं। खैर एनीवेज, इसलिए हम आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, हमने आपके लिए गेम रखी है राजकुमार। हम आपको एक कार्ड देंगे, आपको एक कार्ड देंगे, फॉर एग्जाम्पल इस कार्ड पे कुछ बना हुआ है, ठीक है, तो आपने इनको दिखाना है और ये देख के फोटो आपको समझाएंगे कि फोटो में क्या है। मुझे तो देख, शादी का माहौल है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और हल्दी क्या बोलते हैं इसको, पूरा हल्दी रसम ही बोलते हैं, उपटन लगाना। हाँ करेक्ट, हल्दी रसम। वन पॉइंट। ये कैसे होगा? सबने देखा? देखा देखा देखा। तूने देखा? ये मुश्किल है समझाना। मुश्किल है, टू वर्ड्स, ये बहुत मुश्किल। पहला वर्ड हिंदी इंग्लिश है? हिंदी हिंदी ना। केला, फल फल, फ्रूट, काट रही है तू फ्रूट को, उसमें मसाला डाल दिया, मसाला चाट मसाला। अच्छा मैं बोलूं, ये बहुत डर लग रहा है। अच्छा अच्छा ओके फाइन, मैं क्या कर रही हूँ? उसको भर रही है। हाँ, भर हाँ, भर गोद भराई। मैं गोद भराई, गोद में मसाला कौन भरता है? ये मतलब अरे अपने अपने शौक है लोगों के। सेकंड वर्ड तुझे देखता रहो। लुक, जो भरा मैंने बोला भर भर भर। करेक्ट, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। हाँ क्या बात है, कमाल। भरपाई, भरपूर, नहीं भर, जस्ट सी ना, व्हाट कैन दिस बी लाइक इफ समबडी डज दिस। वाह, जॉइन भरवा, भरवा, ओके व्हाट, ओके गुड वन। सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड, ओके कैसे करूँ ये? भरवा आलू, हाँ हाँ हाँ, बोलता जा बोलता जा। भरवा मूली, भरवा आलू, भरवा गाजर, भरवा साबुन। अरे बहुत वर्ड है दुनिया में, बहुत गंदी सब्जी है, गंदी सब्जी है। भरवा तोरी, भरवा भिंडी, भरवा टिंडा, भरवा टिंडा। वाह बहुत अच्छा, जितनी देर में आपने समझाया ना, आप चिट्ठी लिख के पोस्ट करती उनके घर पे पहुंच जाती, वो जल्दी हो जाता। मैं बना के खा लेता इसको। चलो अभी आपका ये टफ है ना, ये उल्टा इजी मुझे लग रहा है। बहुत इजी है यार ये, बहुत इजी। सेटिंग की है क्या? वरमाला, दूल्हा दुल्हन, गोद, नहीं क्या कहते हैं, कन्यादान, कन्यादान। अरे जब इससे इजी और क्या समझाए वो? I know what it is, I don't know what the word is. First word क्या है मुझे बताओ? First word क्या है मतलब? अच्छा ठीक है, मैं तुझे half करके बताऊँ मैं। First half, अच्छा ठीक है। Blank. बीच वाला बता दो, बीच वाला बता। Second half, what's wrong with me? अरे ये क्या है? What is wrong with you?
प्लीज फर्स्ट लेटर बता। कंफ्यूज हो गया कि क्या है? ये तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये क्या था? अरे कौन करता है ये गांव में सब? अच्छा यार मुझे पता है विदाई होती है। You didn't get the word, you couldn't remember it. कभी कभी तो एकदम मैं एकदम मेरे दिमाग में गोद भराई। जो लड़की मान के बैठी मैंने भाग के शादी करनी, वो विदाई के बारे में सोचेगी क्यों? और गेस करने के बाद वहां तो ऐसे की जैसे अवार्ड मिलेगा अभी। क्यों आगे गिनती आप? शौक में थी कि राज क्या कर रहा था। मैंने कहा अरे मैं दाई माँ था, सारे उन्होंने हथकंडे बना लिए, तेरे चक्कर में बच्चा पैदा हो गया क्या पे? अभी राजकुमार की बारी, ये गेस करेंगे अभी। गॉड ये भी टफ, ऐसे सीधा कर। बट इट डजंट एग्जिस्ट। हाँ चा सब्जी खाना मसाला मसाला फर्स्ट वर्ड मसाला मसाला फ्राई अच्छा सेकंड वर्ड यू नेवर गेस इट इज नॉट एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट डिश मसाला क्या कुछ खा रही है तू तो ये खा रही है जो वो क्या है मिला के यस 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 नूडल्स नो मसाला चाउमीन मसाला चॉपसी मसाला पा पहला पा मैं तुम्हारी हेल्प करी है मसाला पाव मसाला पुलाव मसाला पूरी Obviously confused होगा। पहला पाई है। English English है। मसाला फ्राई। पा। You got the पा। Noodles की जैसे कुछ है। अरे क्या क्या होता है? एक तो बचपन में खाया भी नहीं इतना कुछ। You got the पा। तुझे चॉपसी पता है? Noodles पता है? हक्का? हक्का noodles? हक्का हक्का? नहीं हक्का भी नहीं है। अभी कपिल ने क्या किया था? ये क्या किया? ये पा। हाँ सो। हाँ अच्छा नहीं पर आगे भी है। मसाला पास्ता क्या बात और एक सेकंड नहीं भूमि पेडनेकर बोल बस मैंने गेस किया लेकिन आई डोंट नो किसने कभी मसाला पास्ता खाया होगा व्हाट इज मसाला पास्ता यार अगर आप लस्सी में रम मिला के पी सकती हैं तो मसाला पास्ता क्यों नहीं हो सकता दुनिया की कोई भी डिश हो हम उसको इंडियनाइज थोड़ा कस्टमाइज कर ही देते हैं करेक्ट मैंने इटली में जाके एक बार पिज्जा लिया पिज्जा मतलब पिज्जा बेस के ऊपर वो लाल सॉस लगा करता है रेडी तो मैं कहा सॉस चिली फ्लेक्स वो गुस्सा कर जाते हैं ऑफ कोर्स दे आर इंसल्टेड कि आपको कुछ और डालने की जरूरत पड़ रही है हमारे उनको यहां पे शिमला मिर्च टमाटर पाइनएप्पल क्यों नहीं डाल रखे आपने हां ओके ये आपका है अच्छा मैं तो देख सकता हूं सेट टू वर्ड्स हां वही दूल्हा दुल्हन वरमाला जूता छुपाई हां पर एक सेकंड मेरे गेसिंग के लिए सारी शादी रिलेटेड थिंग्स तुम्हारे सारे खाने के क्यों नाम है ये कुछ सब तक से गेस के पीछे हमको समझ नहीं आ रहा चेंज कर लेते हैं अच्छा ये मैं आपके वाले राजकुमार को देता हूं भगवान टिंडा अब राजकुमार आपको दे रहा राजकुमार टिंडा चलो ठीक पकड़ा मैंने हां ओके व्हाट इज दिस ओ गॉड सुहागरात दो वर्ड लेडी संगीत नहीं नहीं शादी करके आया ना इसको सब पता है चलो आप बोल रहे थे ना आपके वाला ज्यादा मुश्किल है ओके नॉट बैड हां टू वर्ड्स हां तो खाने का ही ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्ड पनीर हां यस दे आ आगे आगे क्या केमिस्ट्री केमिस्ट्री सेकंड वर्ड कपिल शर्मा क्या खाता है मुझे क्या पता है क्या खाता है ये कहां से है अमृतसर हाँ। पनीर कुलचा क्या बात है अब आपकी बारी ओह गॉड ये स्वागत है नहीं लोग स्वागत नहीं बनवा रहे हो विदाई हो गई सब कुछ स्वागत ही नहीं हो रही है स्वागत के बाद पनीर कुलचा आ रहा है मुझे दो चीज करनी है इस गेम के बाद मुझे खाना खाना और शादी करनी है ओके टू वर्ड्स सॉरी
पहला वर्ड तेरा शादी किसको जाना शादी हाँ दुल्हन रूप सज्जा मेकअप घूंघट हाँ पल्लू मैं कौन हूं तू दुल्हन है भाई फेस मुंह मुंह दिखाई एक और बचा ये आप करोगे मैंने तो देख लिया ओहो हाँ तो आप हमें समझाओ ना हमने नहीं आपको देखा एक दे देते हैं हम हमको तो दिखा कपड़े ओके अरे अच्छा हाँ फैला दे अब हाँ फैला दे फैला दे तो फैला तो यही हो गया फैला फैला दे हाँ मतलब क्या फैलाते हैं खाने की चीज़ है शादी की चीज़ है अब ये लास्ट है उसके पहले क्या पाइनएप्पल बूंदी इससे जल्दी कोई नहीं समझा सकता व्हाट एन एक्टर आई एम ओह माय गॉड प्लीज सेव मी फ्रॉम द इविल आई पाइनएप्पल मैं सोच रहा था पाइन कैसे समझाऊंगा तो मैं सोच रहा था मैं उनको बोलूंगा 5, 6, 7, 9, 9 का पाइन और एप्पल और खिला दो ये लेके जाइए भाई ओके राजकुमार राव जी भूमि पेडनेकर जी जोरदार तालियां छोड़िए इनकी और यार शर्मा ये क्या है डेकोरेशन डेकोरेशन क्या है वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना ओ यार ये मुझे कभी समझ में नहीं आया ये वैलेंटाइन हमेशा वीक क्यों रह जाता है इसे स्ट्रांग करो अरे वीक मतलब हफ्ता हफ्ता वैलेंटाइन का हफ्ता है ये वकील का हफ्ते की बात मत करो दोस्त नो 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 अंदर कर दूंगा मैं वो तो मैं तब करूंगा जब कोर्ट वाले मुझे अंदर जाने देंगे कैन आई हैव अ सीट श्योर या यू हैव योर ओन बट या स्टिल यू कैन How are you people? You're doing fine, sir. How are you? We are cool. I'm fine. I'm wonderful. वैसे भूमि जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी सच जवाब दीजिएगा सच है और सच बोलने से डरिएगा मत आज आप मेरे साथ वैलेंटाइन मनाने ही आई है ना सच सच वो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए बधाई दो मैं कहां से दे दूं यार मेरी जेबें तो खाली है तुम दे दो अरे बधाई दो उनकी फिल्म आ रही है अच्छा अच्छा बधाई हो आपकी फिल्म आ रही बधाई है बधाई हो नहीं बधाई दो नहीं वही तो मैंने कहा भाई बधाई दो के लिए आपको बधाई हो अच्छा वैसे भूमि जी जी आपको यकीन नहीं होगा मैं वैलेंटाइन के सुरेले अवसर पर आपके लिए टेडी बेयर लाया हूँ कहाँ है ये रहा आई एम द टेडी बेयर ऐसे ऐसे करेंगी ना तो मैं सो भी जाता हूँ ये टेडी बेयर को पकड़ के खुद सोती है योर विश एक बार कोई टेडी बेयर को लेके सोया था इन्हीं के नीचे आ गया वो ही इज नो मोर उनकी फिल्म आ रही है उसकी कोई बात करो अगर आप करनी तो नहीं तो निकलो यहाँ ये लेकिन ये ज्यादती है मेरे साथ क्यों क्यों हर बार यहाँ पे जो आता है किसी का कुछ तो आ रहा है आपकी फिल्म आ रही है किसी का म्यूजिक वीडियो आ रहा है किसी की वेब सीरीज आ रही है मेरा कुछ नहीं आता यार आपका लगता है बहुत सालों से कुछ नहीं आ रहा इसलिए सब अंदर ही जमा हुआ है ये बात भी है लेकिन मैं तो कहता हूँ शर्मा यार यू हैव मेड मनी यार मुझे लॉन्च करो ना आप नासा में जाओ उधर जाके लॉन्च हो जाओ कसम से आसमान में जाओ नीचे गिरो कोई छोटा मोटा मुल्क तोड़ दो समंदर में गिरो पानी सुखा दो उसका मैं तो कहता हूँ फट जाओ सीरियसली सांस अंदर खींचो उड़ जाओ आप तबाह कर दो दुनिया अबे रुक जाओ यार यार बीच में मुझे हंसने का मौका दो दो इट वाज फनी मैं उड़ जाऊं पड़ जाऊं मैं कैसा लगूंगा पड़ जाऊंगा फालतू की बातें इनसे जितनी मर्जी करवा लो आप अच्छा फालतू की बातें मैं करता हूँ हाँ मैं करता हूँ फालतू की बातें तो ठीक है अर्चना जी sin theta माइनस cos theta प्लस tan theta मेरा जवाब मिला क्या जवाब नहीं ना यहाँ की टीचर ही ऐसी हो जहाँ का प्रिंसिपल ही ऐसा हो वहाँ के छात्र कहाँ से ग्रो करेंगे ब
बट आई एम इम्प्रेस विद यू. जी जी वेरी गुड. आप काम तो अच्छा करते ही हैं, साथ में ये जो सीक्वेंस में काम करते हैं ना आप, मतलब समझा नहीं मैं. मैं वापस आता हूँ थोड़ा. मैं आपको समझाता हूँ. इनकी फिल्म आई शादी में जरूर आना. हाँ जी. फिर इन्होंने स्त्री से शादी की. अच्छा. फिर ऐसी कमाल की छलांग लगाई कि हो गए हम दो हमारे दो. हाँ. फिर जैसे ही दो हुए ये कहे बधाई दो. ये लफ्जों का इस्तेमाल सिर्फ आप ही कर सकते थे. पर नहीं यार, बड़े प्यारे हैं वो. भूमि जी मेरे साथ डेट पे चलिए ना. शर्म नहीं आती आपको डायरेक्ट? तो क्या हुआ, आपकी तो शादी हो गई है. अरे तो गुड़ खा लिया गया, उसके बाद रसगुल्ला नहीं खा सकते? वो आपके साथ डेट पे क्यों जाएंगी? नहीं जाएंगी वो. नहीं बिल्कुल भी नहीं. आर यू सो श्योर? आई एम सो श्योर. ठीक है तो डेट पे मत चलिए, मेरे साथ मालदीव चल दीजिए. शक्ल देखिए आपने, मालदीव वाली शक्ल है आपकी. तो कौन सी शक्ल होती है भाई जो वही शक्ल जा सकती है मालदीव? क्या बात हुई? करेक्ट. टाइगर श्रॉफ जाएगा क्या मालदीव? नहीं भाई, शक्ल नहीं चाहिए, पासपोर्ट चाहिए जो मेरे पास है. और मैं भी जाना चाहता हूँ मालदीव यार. मैं भी जाके वो पानी में तैरता हुआ नाश्ता करना चाहता हूँ. अंडर वाटर स्विमिंग करता हुआ अपना वीडियो बनाना चाहता हूँ. बैक फ्लिप मार के मैं पानी में कूदना चाहता हूँ. मैं रेत पे बस यूं पड़ा रहना चाहता हूँ. लोग कहें वेल मरी पड़ी है. रोमांटिक बात को सीधा ट्रेजेडी पे कैसे लाते हैं? कोई इनसे सीखे भाई. कमाल करते हैं यार. पूरा मेरा प्लान जॉब. मैं नहीं जा रहा मालदीव. वकील साहब यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था फालतू में. इंटरव्यू रोक दो. शर्मा यार कब तक इतना काम करोगे यार? मुझे बताइए किस दिन आपने चैन से बैठ के सांस ली हो, चार दोस्तों से बातचीत की हो? कब किया था ये आखिरी बताओ मुझे. हम जो भी यहाँ पर बातें करते हैं ये सोनी वाले टीवी पर टेलीकास्ट कर देते हैं. हमारे पास अपने कोई किस्से कहानियां ही नहीं है. अब कल मेरा पोता मुझसे पूछेगा कि जवानी के दिन की कोई बात सुनाइए दादाजी. मैं कहूंगा यार एक दिन मेरी राजकुमार राव जी से मुलाकात हुई थी. वो कहेगा वो तो मैंने टीवी पे देख लिया, और कुछ बताओ. मैं क्या बताऊंगा, हमारे पास कुछ नहीं बचा है यार. शर्मा क्रिएट मोमेंट्स, क्रिएट मेमोरीज, यादें क्रिएट करो, यादें. ये सब जो आपने बोला है ना ये यादें ही हैं, ये टेलीकास्ट नहीं होने वाला. चैनल ने इतना बड़ा पजामा आपको इसलिए सिलवा के दिया है, ये सब बातें करें आप. पजामा मेरा छोटा कर दो दोस्त. बातें लेकिन मैं ऐसी ही करूंगा. वकील साहब क्या कह आप चाहते क्या हो मेरे को बताओ. क्या करते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? क्यों जल्दी इंटरव्यू में घुसाते हो आप? क्या यार पीछे पड़े रहते हैं. मैं ना एक चाहता हूँ कि एक मेरे सपनों की जो शहजादी है वो घोड़े में बैठ के सात समुंदर पार मेरे लिए आए. हेलो, कैसे आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाय, मैंने आपका पिक्चर का ट्रेलर देखा. मेरे को आज इतना अच्छा लग रहा है इधर शो पे. इतना मजा मुझे कभी भी नहीं आया कप्पू. मैंने ना आपकी पिक्चर का ट्रेलर पूरा ऐसे चलाएगी क्या? किधर? अरे हट. दिखाई नहीं देता तुम्हें, सोफा के ऊपर बीन बैग पड़ा है. मैं सोच रहा था इतना बड़ा फुग्गा कौन सा रखा हुआ है वैलेंटाइन का. कैसे आना हुआ भाई? अरे अभी आपने बोला ना कि आपके सपनों की राजकुमारी ऐसा घोड़े पे बैठकर आएगी साथ. हाँ. मैं चू. और मैंने कहा था सपनों की राजकुमारी घोड़े पे आए, सिर्फ घोड़ा थोड़ी कहा था मैंने. अबे सात नाले क्रॉस करके तेरे लिए कोई डुक्कर ना आए. बात कर रहा है तू डुक्कर मना, आई मीन शुक्र मना कि मैं आई हूँ. जा मेरे को तेरे साथ जाने का इच्छा नहीं है. मैं इधर है. आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. मेरे को भी आप बहुत अच्छी लगती हैं. वाओ भाजी. अच्छा जी, आप मेरे साथ वैलेंटाइन मनाने के लिए चलेंगे? ए, शर्म नहीं आती तुझे? वो शादीशुदा आदमी है, तेरे साथ क्यों जाएंगे? और करो शादी. वैलेंटाइन डे मिस कर गए ना मेरे साथ में. That's true. खैर अब मैं किसके साथ जाऊंगी वैलेंटाइन डे? वकील साहब को ले जाना. मैं वकील साहब शादीशुदा है.
आप तो मेरे साथ मालदीव जाना चाहते थे? नहीं, मैं पराई औरत की और आंख उठा के भी नहीं देखता। अच्छा। मैं नहीं देखता। पराई थोड़ी, ये तो बनाई हुई औरत है। नहीं, तुम्हारा फोकस सही है। राजकुमार जी से करो ना बात कर। नहीं नहीं, नहीं, मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जाती हूँ। वो बहुत हैंडसम है। नहीं, आप मेरे साथ चलो ना, आप एकदम मस्त गंदे टाइप लगोगे। माहौल यहाँ का ना, सारा का सारा ऑक्सीजन में सक कर लूंगा। डिहाइड्रेशन की मौत मरोगी तुम। ये कौन सी धमकी होती है? मेरे को मौत की बात कर रहा है? हाँ। और अभी मैं बैकस्टेज से देख रही थी आपके साथ ये डेट पे जाने की बात कर रहा था ना, बार बार मेरे साथ मौत की। मेरे साथ पब में चलो ना डेट पे प्लीज। यार पता नहीं तुम्हें ये बात कौन सी भाषा में समझ में आएगी, लेकिन सपना, आई डोंट लाइक यू। हाँ तो मैं कौन सा तेरे लिए मरी जा रही हूँ, उबले हुए डॉल्फिन? वो तो अर्चना जी पब में वो कपल एंट्री फ्री है, इसीलिए मैं इसके पास आई ली थी। अच्छा, एंट्री फ्री होगी, लेकिन ये दामोदर जेठ मलानी फ्री नहीं है। अरे यार, ये एडवोकेट साहब तो नाराज ही हो गए। आपको गुस्सा आया? हाँ। तो क्या उखाड़ लोगे? प्लीज चलना मेरे साथ मेरे। एक बार को मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मान भी जाऊँ, मेरे पास कपड़े नहीं है पार्टी के। अरे कपड़े का आप टेंशन मत लो। अर्चना जी, वो आपकी बड़ी वाली गाड़ी है ना, उसका कवर दो ना इसको पहनने के लिए। हाँ, मैं गाड़ी का कवर पहनूंगा। तो आपको नॉर्मल कपड़े आते हैं क्या? इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको मालूम है? अभी क्रिसमस के दिन बोलते हैं मेरे को सेंटा क्लॉस बनाओ, मालूम है? फिर वो टेंट रहता है ना, टेंट का कपड़ा उड़ाया लाल रंग का, इसको सेंटा क्लॉस कम टेंट क्लॉस ज्यादा लग रहा है। तुम ना यहाँ पर एक वकील की तौहीन कर रही हो। मैं तुम्हें ना कोर्ट में घसीटूंगा। तू कोर्ट में घसीट, मैं तेरे को पेंट में घसीट लूंगी। पैंट तो घर में पहनता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, घसीटो मुझे। यार आई एम, मुझे घसीट के दिखा, घसीटो मुझे, घसीटो, मैं देखना चाहता हूँ कैसे मुझे घसीटती है। मैं आज दिखाऊं। अबे 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 क्या कर रही है? क्या कर रही है? अबे अबे रुक रुक रुक। अरे 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 भूमि, राजकुमार, आप दोनों अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ वीडियोस डालते रहते हो जी। कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं, कभी आप पढ़ के देखना, हम आपके लिए निकाल के रखे कुछ, दिखाई जरा। राजकुमार राव, इन्होंने फोटो डाला, लुकिंग फॉरवर्ड एंड गेटिंग एक्साइटेड फॉर द रिलीज, बधाई दो। क्या खूबसूरत हैंडसम फोटो है आपकी, मजेदार फोटो। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। फरवरी का महीना है इसलिए सीट पे टिका पा रहे हो। मई जून होता अभी तक वड़ा पाव पक चुका होता। हेलमेट उतारने के बाद हमारे बाल तो खराब हो जाते, आपके कैसे सही हैं? राजकुमार बी लाइक, पेंट इतनी टाइट सिल दी, अब टांग उठा के बाइक पे कैसे बैठूं? और दिखाइए। मेरी गर्लफ्रेंड के पापा की शर्त है कि दामाद वर्दी वाला होना चाहिए, मुझे बस इतना बता दो आपने भाड़े पे ये वर्दी कहां से ली? और दिखाइए। ओह फेल्ट लाइक ए मरमेड, वाओ। ये कहां का फोटो है भूमि? ये मेरी दोस्त की शादी थी जयपुर में, वहां पे खींची है। तो बरातियों को क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रही थी आप ये सब करके? कमेंट्स दिखाइए। भूमि भी लाइक, तैयार तो हो गई, समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। वैसे तो मैं बैंगन बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन आपको देख के बैंगन मेरा फेवरेट हो गया। और दिखाइए। ओह गॉड,
डांस लाइक देयर इज नो टुमारो. ओह वाओ, अच्छा ये शादी की फोटो है जी. वाओ, दिखाइए कमेंट्स. अपनी मर्जी से जितना नाचना है आज ही नाच लो, कल से उन्हीं के इशारों पे नाचना पड़ेगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ये कमेंट आपने तो नहीं किया है जी. ऐसे लोगों की शादी में बराती कम नाचते हैं क्योंकि सारा तो ये खुद ही नाच लेते हैं. But that is true, that's true. सारा खुद ही नाच लिए हम. कहाँ पे हुई थी शादी? चंडीगढ़. ओह वाओ, दिखाइए और कमेंट्स. लव मैरिज वाला दूल्हा ही ऐसे ही जोश में दुल्हन के साथ नाच सकता है, वरना अरेंज मैरिज वाला तो अपने फूफा के साथ नाच रहा होता है. और दिखाइए. गुड नाइट प्रदीप बेबी. हैं? गुड नाइट प्रदीप बेबी. हैं? क्या हो रहा है? दिखाइए जरा. डॉली और किट्टी ना. भीमी जी, भीमी जी, आप ऐसी ड्रेस में बहुत स्वीट लगती हैं. लगाती है. आप बहुत स्वीट लगाती हैं. लगती भी नहीं है. भीमी के दीवाने. कड़ी दोपहर में गुड नाइट कौन बोलता है? रिप्लाई किया, तू भांडुप में है तो क्या हुआ? उसका प्रदीप यूएस में होगा. और दिखाइए. फनी. अगर यहाँ पे भी पुलिस आ जाए तो मरीन ड्राइव, बैंड्रा फोर्ट, संजय गांधी पार्क, करनाला फोर्ट, कार्टर रोड या हाईवे के बाजू में भी जा सकते हो. उसको पूरी लिस्ट पता है. रिप्लाई भी आया, लगता है तुझे पुलिस ने हर जगह से भगाया है. लड़कियां बैग तो बड़ा बड़ा रखती हैं, लेकिन बिल देने के टाइम पे ये कभी नहीं खुलता. नॉट ट्रू. I disagree. बिल्कुल. और दिखाइए. ऐसे ही होते हैं कपल, अभी पकड़े जाएंगे तो बोलेंगे हम कजन हैं. लोगों का प्यार परवान चढ़ता है, इनका कंटेनर पे चढ़ा हुआ है. This was a good part. 10 का गुलाब, 5 का गुब्बारा, छोटे से इन्वेस्टमेंट से बड़ा तीर मारा. Good one. आगे दिखाइए और. हैं? मैं एक सेकंड में मेरे को पहचान नहीं पाया मैं. अच्छा लूडो मूवी का है. आपके आपके शो का कोई कैरेक्टर लगा. हैप्पी न्यू ईयर गाइस. कपिल, कभी ऐसा लगे कि आप के कृष्णा को ब्रेक चाहिए तो. दिखाइए कमेंट्स. ऐसी ही होती हैं जिनको देखकर बोलना पड़ता है, उस स्त्री का लाना. मैं इतना ज्यादा बॉय स्कूल में पढ़ा हूं कि मुझे आप भी अच्छी लग रही हो. ओह, व्हेन यू डाउनलोड नोरा फतेही इन लो क्वालिटी. भाई माना आप बहुत अच्छे एक्टर हो, पर कम से कम लड़की का रोल तो लड़की को करने दो. सही बात है. और दिखाइए. Oh, in the hands of nature. Bali. बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है, दिखाइए. लवली पिक्चर है. कितना लकी हाथ है, इसकी लकीरों में भूमि है. अब यहाँ से उतरना मत, नहीं तो लोग कहेंगे लड़की हाथ से निकल गई. इतनी आसानी से आप किसके हाथ आ गई? मजे तो फोटोग्राफर के हैं, 4 फोटो खींचेगा, फ्री में बाली घूम के आएगा. धन्यवाद. तो दोस्तों, आज हमारे साथ फिल्म बधाई दो के डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं. चलिए उन्हें मंच पर बुलाते हैं. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी. वेलकम सर. वेलकम वेलकम वेलकम. आइए. एक बार जोरदार तालियां डायरेक्टर साहब के लिए. हर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज विराजमान हो जाइए. सर, सबसे पहले तो आपको बधाई. बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपकी मूवी का. थैंक यू. अब एक सही सही बात बताना सर, जब आपका ट्रेलर आया, सबसे ज्यादा बधाइयां तब आई कि जब आपके दोस्तों को पता चला कि आप मुझसे मिलने जा रहे हो? मतलब एकदम. ये कोई नहीं पूछ रहा है कि कब फिल्म आ रही है, वो बस यही पूछ रहे हैं कि यार तू कपिल के पास तो जा रहा है ना. मैं बोला नहीं यार, पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं. कितना प्यार करते हैं. बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है. कितना प्यार करते हैं. फिल्म में कोई नहीं लेता मेरे को. अच्छा, इससे पहले हर्षवर्धन साहब की आपने हंटर फिल्म देखी होगी. बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट था सर. इसमें भी ये भी बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट है. मैंने देखा आप जो भी कहना चाहते हैं खुल के बोलते हैं आप अपनी फिल्मों में. आपको नहीं लगता आपका नाम कुलकर्णी नहीं खुलकर्णी होना चाहिए था?
स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एक्चुअली है ही कुलकर्णी बट आपको मैं दर्शकों को बता दूं कि हर्षवर्धन साहब ने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग करी है कहां पेट्रोकेमिकल कहां फिल्म इंडस्ट्री आप पेट्रो भी निकाल दो ना फिर भी केमिकल का इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है आप इंडस्ट्री में क्या सोच के आए थे मैं आग लगा दूंगा पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की मैंने अच्छा यही नहीं पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने एडिटिंग का कोर्स करा उसके बाद राइटर भी बने ये अब डायरेक्शन कर रहे हैं हम क्या समझे आगे चल के आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले एक्टर अगला यही है हमारा एक्टिंग मतलब यही हम लोग तो ऐसी मेहनत कर रहे हैं ना वाह मैंने सुना आप एसी भी ठीक कर लेते हैं एक शॉर्ट कोर्स किया अच्छा सर हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है जब सबसे ज्यादा बधाइयां मिलती हैं आप तीनों से मेरा ये सवाल है आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा मोमेंट था जब सबसे ज्यादा बधाइयां मिली हो आपको या आपकी फैमिली को मेरे तो मुझे याद है जब मैं पैदा हुआ था जी तो मेरे घर वालों को बहुत बधाई मिली थी कि भाई बधाई हो कि राजकुमार पैदा हुआ है आपके घर में राजकुमार राव पैदा हुआ है वाओ राजकुमार राव पर आपको सबसे ज्यादा बधाइयां कब मिली यार मुझे तो नहीं मिली थी मेरे पिताजी को ही मिली थी जी उनको ये कहा गया था कि यार आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो राजकुमार राव के साथ एक पिक्चर करने वाला वाह तो ये भूमि आपको सबसे ज्यादा बधाइयां कब मिली या आपकी फैमिली को एक्चुअली मेरे घर वालों को भी बधाइयां तब मिली थी जब मैं पैदा हुई थी और उन्हें बोला गया था कि एक दिन आएगा जब राजकुमार राव के साथ आपकी बेटी काम करेगी जिसे हर्षवर्धन कुलकर्णी डायरेक्ट करेंगे वाह और मैं भी जब पैदा हुआ मेरे पिताजी को बड़ी बधाइयां मिली कहते तीन अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग पैदा हुए हैं हाँ, वो स्टार बनेंगे तीनों एक दिन तुम्हारे शो पे आएंगे राजकुमार जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे ना जब ये बैचलर हुआ करते थे इन्होंने कुछ कहा था अपने मुख से मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ प्लीज क्या कह दिया मैंने भाई भूत प्रेत और मासूम बीवी मन का वहम है ऐसा कुछ नहीं होता है अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है तो लोग चाहते हैं कि मैं एक्सपीरियंस हो जाऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कि अभी आपने कहा मासूम बीवी होना ये सिर्फ मन का वहम है तो आई थिंक लोग मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया कल को होगी तो अभी से देख ले क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं इतना आसान नहीं है तो ये मैं नहीं हूं ये कोई और है ये हमारा वहम है तो इस क्लिप को देखने के बाद मैं यही पूछना चाहता था कि और नेक्स्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट है मुझे पता जवाब तो आएगा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है घर जाके पिटाई अच्छा भूमि को ना पीटा की तरफ से 2021 में मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी का खिताब मिला है पहले से इस खिताब का नाम मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी था कि जब आप अवार्ड लेने गई तो आप उफ कहां है मेरा अवार्ड आपको देख के उनको लगा हो ये सादा अवार्ड हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल डालो इसमें दूसरा वाला आपको देख के डाला उन्होंने देख के वाह भूमि बड़ी अच्छी बात है आप एनिमल लवर है जी क्लाइमेट वॉरियर आल्सो ना यस क्लाइमेट वॉरियर एनिमल लवर प्राउड वेजिटेरियन ये अच्छा राजकुमार शादी शुदा है अभी इस वक्त कितनी बार आप बोल रहे हैं ही इज सो डेस्परेट कि अपनी ट्राइब में तुम्हें इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई इसकी भी अब शादी हो ही गई तो मेरा आप कितनी बार बोलती हैं दो बच्चे का रिकॉर्ड करने का आपके पास ये रिकॉर्ड देखिए भाई साहब आप फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं हमसे भी जो बनता है हम कर रहे हैं पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब शादीशुदा हैं बहुत अच्छा बोलते भी बड़े अच्छे स्पीकर हैं लेकिन शादी के बाद आदमी घर पे नहीं ज्यादा बोलता यही वजह तो नहीं आपने आजकल रैप करना भी शुरू कर दिया है कि अब मैं बाहर जाके खोलूंगा दिल के गुबार क्या बात है बधाई दो की पूरी टीम आई हुई है हेलो राजकुमार सर क्या हाल है चंदू जी बहुत बढ़िया ये हेलो भूमि जी तो फिर आ गए पिताजी का कोट पहन के हेलो हर्षवर्धन जी कैसे हैं आप हेलो एकदम पिताजी का कोट क्या होता मेरी माताजी कोट नहीं पहनती तो मैं पिताजी का पहन के आ गया और यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि देखो आज है किस डे तो मैं मार्केट में अपने होंठ लेकर निकला हूं कटोरा कहीं गुम हो गया जो होंठ लेके निकले आज यार कपूर शर्मा क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो आज किसकी है अच्छी बातें करो ना भूमि जी मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए प्रमोशन ये कर लेते हैं हम
डिनर पे चलते हैं। ब्रेकफास्ट किया तूने? डिनर पे चलते हैं। डिनर तूने सोचा भी कैसे भूमि के साथ डिनर करने का? डिनर सोचना थोड़ी होता है, डिनर तो करने से होता है। बैठो आ जाओ। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, बैठो, अच्छे लग रहे हो। डिनर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे यार? इतनी बड़ी हीरोइन है, डिनर के पैसे तो होंगे इनके पास। तुझे शर्म नहीं आती है, है, है। मेहमानों से पैसे लेते हुए? देखो शर्म मैंने छोड़ दी है राजकुमार साहब, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि शर्म त्यागने से आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। देखो अगर आप अपनी मेहनत का डिनर करेंगे ना तो वो टेस्टलेस होता है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी से डिनर मांगते हो तो हमेशा टेस्टी होता है वो। ये तो हो गई फिलॉसफी। इधर क्या करने आए हो यार? मैं लाओ तुम्हारे, मैं इधर लगाऊं। जा जाके बाहर ऑटो वालों के लिए मुजरा कर, 100 रुपया तेरी दिहाड़ी बने। कपिल शर्मा यार मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करो, उनकी मूवी आ रही है। मैंने उनका ट्रेलर देखा। उनका ट्रेलर क्या होता है बोल, मूवी का ट्रेलर देखा? उनकी मूवी का ट्रेलर देखा। मूवी क्या होता है बोल, नाम बोल का बधाई दो का ट्रेलर देखा। मैंने इनकी मूवी बधाई दो का ट्रेलर रात को 11:30 बजे अपना लैपटॉप ऑन करके देखा, बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद मैं सफेद चादर ओढ़ के सो गया। तू सफेद चादर ओढ़ के सो गया, तू लाश है। एटीट्यूड देखो इसका, शुक्र है तू अमिताभ बच्चन नहीं है, तू तो हमारे सर पे पैर रख के बैठता है। यार कपूर शर्मा चक्कर पता क्या है, मैं ये इतना, ये मैं मेरा बचपन का दोस्त है ये, इतना बेवकूफ है ये और इतना कंजूस है। कॉलेज में इसको एक लड़की ने बोला मेरे को फिल्म दिखा दे, एक टिकट लेके उसको अकेले को दिखा दी, बाहर खड़ा रहा। तुझे पता भूमि ने जो बधाई दो के ट्रेलर में बोला ना मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुमसे मिलके गई थी, उसके बाद आइडिया आया उसको। कपूर शर्मा सिर्फ दो साल निकलने दो, उसके बाद मैंने तुम्हें देखना ही नहीं। दो साल बाद क्या हो रहा है? उसके बाद मेरे घर की किस्तें उतर जाएंगी। तुझे पता है चंदू, हाँ, फरवरी महीने में 28 दिन क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ताकि तेरी फालतू की बातें ना 2 दिन कम सुननी पड़े लोगों को। और तुम्हें पता है कि जो यही फैब अगर 4 साल के बाद आता है तो उसमें 29 दिन क्यों होते हैं? लीप का साल होता है, बच्चे बच्चे को बताए वो, शट अप। जीके का सवाल है ये। और फैब क्यों बोला? पूरा बोल, पूरा क्या बोलते हैं? फैब भी बोलते हैं। फैब नहीं, पूरा बोल, आज बोलेगा तो आगे बढ़ेगा शो। फैब आगे पूरा बोल। जैन के बाद फैब आता है बस। पूरा बोल, चेक पूरा लेता है कि नहीं लेता? महीना पूरा बोल। भूमि आप बोलो, बोलो यार, आपकी मन यार, तुम तो मुझे ना कॉन्शियस कर देते हो यार। कॉन्शियस की स्पेलिंग बता दे चल। अच्छा चल ठीक है, चल मैं यार नहीं बोलता। मैं ये क्या पता क्या, देखो राजकुमार साहब चक्कर ये है कि जैसे मैंने इनसे पूछा भी क्यों आते हैं 28 दिन है ना, ऐसे इनको भी मुझसे पूछना चाहिए, हाँ भी क्यों आते हो 29 दिन? तुम तो मेरी बात नहीं कंप्लीट होने देते। चौथी क्लास तेरे से कंप्लीट हुई नहीं, बात कंप्लीट करेगा। मैं ये ऐसे दोस्त है ना, ऐसे करता था मैं, पढ़ाई में बड़ा ब्रिलियंट था, बड़ा अच्छा था। एक बार एक टीचर ने बोला मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 10 के तुमने समोसे खाए, बाकी कितने बचे? कहता 40 रुपए। कहता वो कैसे? कहता 50 उसने पिछले भी काट लेने मेरे। ये था इसका पढ़ाई में। इधर क्या करने आया? देखो मेरी बात सुनो, चक्कर ये है कि भूमि जी सिंगल है और मेरा भी अभी कोई प्लान नहीं है, तो मैं इनके साथ डिनर पे जाना चाहता हूँ। ये चप्पलें पहन के ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे आता है? उनको नहीं जाना तेरे साथ डेट पे? कोई बात नहीं यार, मैं कच्चा आशिक थोड़ी हूँ, मैंने तैयारी पूरी की है। क्या तैयारी की है? अच्छा डी माइनर दो यार। उनसे डी माइनर मांग रहा है, उन्होंने तेरे से चाय मांग ली फिर। राजकुमार यस पूरी, तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ गया है। तुम्हें नीचे आके देखती हूँ। देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, ऊपर से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, कहते नीचे आके देखती हूँ। ध्यान से देख, कूड़ा फेंका उसने तेरे ऊपर। हाँ तो जो उसके घर में होगा वही फेंकेगा और हीरे मोती थोड़ी फेंकेगी। क्या बात है, क्या बात है, राजकुमार, भूमि, हर्षवर्धन जी आए हैं। हाय हाय। ओ हेलो,
वो लोग आए, मैं भी आया हूँ, मैं तुमसे व्हाट्सएप पे थोड़ी बात कर रहा हूँ। ओए आज किस डे है? तो तुम्हें नहीं पता किस डे का क्या मतलब होता है? जाओ जाके तैयार हो गया, आज हमने डिनर पे जाना है। मेरे पास वक्त नहीं है। ओ हेलो। नहीं, तुम जो उसको बोल रही हो मेरे पास वक्त नहीं है, एक ले दे के वक्त ही तो था तुम्हारे पास, वो भी नहीं है। भूरी मेरी तरफ ध्यान दो, हेलो मेरी बात सुनो। ओए इधर ध्यान दो भूरी, तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। अरे चश्मा उतारो, पता नहीं चल रहा। बेटर। ओए ओए और खराब लगने लग गया। मेरी तरफ ध्यान दो, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें भाव दे रहा है, फटाफट से हाँ कर दो, नहीं तो ये भी लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। क्या भाव दे रहे हो बताओ? मैं अच्छा एक सेकंड, लड़का आप लोग देख लो, मतलब देख लो ये है लड़का। नहीं नहीं, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, लड़की वाले इसको देखने आए, इसको देखने आए, और वो इसी के घर वाले को डांट के गए कि हमें तो दिखाते लेकिन खबरदार आगे किसी को दिखाया तो। ये है वो मास्टर, खबरदार आगे से बोला मुझे पंच नहीं देते, पंच नहीं देते, दिया ना आज। क्या किया तुमने? और पंच चाहिए? तुम आगे अपनी लाइन ले लो। ओए मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए कह रहा था कि चलो आओ डिनर पे चलते हैं, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ। अरे डिनर तो मैं असली राजकुमार के साथ जाऊंगी ना। ओए मेरी बात सुनो भूरी, हाँ कर दो, मैं दो जोड़ी जूते में भी आ जाऊंगा। क्या? एक सेकंड तुम ना रहने दो, मुझे कैसे बात करना, गेस्ट आए। मैंने आप दोनों की फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा, लाइक आप दोनों का ट्रेलर, लाइक आपका ट्रेलर का मूवी का नाम बोलो। मूवी का ही ट्रेलर आता है, इंसानों का कौन सा ट्रेलर आता है? तो तुम इंसानों का ट्रेलर ही हो। क्या मतलब? अरे तो पूरी रिलीज थोड़ी हुई तुम, दो मिनट की लड़की पूरी रिलीज नहीं हुई। तुम दोनों ने ये जो बातें करी ना इधर, तुम पीछे बैठ के करते ना चैनल का करोड़ रुपए बच जाता। चैनल के करोड़ों के चक्कर में हम अपने लाखों का नुकसान करा ले। बुरी, और मैं दो कपड़ों में भी आ जाऊंगा। तू अच्छा लगेगा दो कपड़ों में, सोच बिकनी पहने हुए कितना गंदा लगेगा। चंदू मैं तेरे को एक बात बताऊं, हंसी मजाक अपनी जगह, सीरियसली कुछ कर, तू अपने पैरों पे खड़ा हो यार। तो पहले मैं क्या हाथों पे चल के आया हूँ? और जितनी इसकी नेटवर्थ है उससे 150 रुपए मेरे पास ज्यादा ही है। 150 रुपए? कपूर तुम किसको समझा रहे हो? छोड़ो यार, इसको नहीं पता दुनियादारी के बारे में, लेट हिम गो। हाँ, सारी दुनियादारी की नॉलेज तो इसको है, कछुओं का डिजाइन इसी ने पास किया था। चिड़िया घर में जाकर देखो, तुम्हारे पापा लोगों के केले छीन रहे हैं। अरे तो इसकी बुआ को सर्कस वाले उठा के ले गए, तब से पापा को अकेले काम करना पड़ रहा है। अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन पंच देता है। आई लव यू। आज मेरे पास सीरियसली छुट्टे पैसे होते मैं तेरे को 150 रुपए देता इस बात का जो तुमने इसको बोली है। ओ इसको 150 छोड़ो यार, मेरे से 50 लो, इसको दो बातें और बोलो फटाफट। अरे मैं तुम फटाफट बोलो यार, तुम दोनों को मैं एक बात बोलनी भूल गया। बोलो। गेट आउट, चलो यहाँ से। यार ये ना, ये तुम्हारी वजह से ना हमेशा मेरी बेइज्जती होती है, तो नींद से उठा जा, तुम्हारी वजह से होती है सब चीजें। अच्छा जाओ बुरी, तुमसे बात ही नहीं करनी मैंने। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी फिल्म बधाई दो के लिए। थैंक यू सो मच। उनको जाना है, फटाफट करो। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, मेरे मनपसंद कलाकार बुलाए हैं, कमाल। अजय ये ना ऐसा सारे चश्मे पहन के आ रहे हैं, तुम लोग याद क्यों नहीं करके आते? ये नहीं, ये नहीं। एक्चुअली अभी कोई फिक्र नहीं, अभी पहले था अभी अभी ठीक है, अभी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको क्यों बता रहे हो? उनको क्यों बता रहे हो? वो थोड़ी पूछेंगे क्या हुआ, मैं ही बताऊंगा ना, कोई पूछता नहीं मेरे को कोई नहीं पूछता। जब मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने नहीं पूछा क्या हुआ, मैंने बताया पापा मैं हूँ। कोई नहीं पूछता, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ मेरा हाल थोड़ी पूछते हैं, कहते 3 दिन की दवाई दे दो। यार हो सकता है मैंने 4 दिन खानी हो। आप सोच रहे ना? नहीं सोच रहे, कौन हूँ वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तो मैं बता देता हूँ, मैं इसका दूर का चाचा हूँ। अच्छा, वो तो इनको समझ में आ ही गया होगा जैसे आप बातें कर रहे हो कि रिश्तेदारी होगा तभी रखा है। क्या करने के आए हो आप इधर?
मैं मेन काम के लिए आया हूँ. मैं एक्चुअली फिल्म प्रमोशन का काम शुरू किया है. जैसे आजकल आप सड़कों में देखते हो सर, गाड़ियों पे ऐसे धूल होती ना शीशे पे, मैं उंगली से लिखूंगा बधाई दो बधाई. वो कहेगा कौन बेवकूफ लिख के गया बधाई दो. छप जाएगा. वो जाएंगे क्योंकि गाड़ियां साफ होंगी, नहीं रहेगी मिट्टी शीशे पे. फिर तो मेरे पास मिट्टी भी तो होगी. ऐसे थोड़ी है. सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बधाई हो. क्या बात है, ट्रेलर देखा है, क्या काम किया है आप दोनों ने. थैंक यू सर. आप नजर नहीं आए, आपका क्या रोल था? अरे ये फिल्म का डायरेक्टर है. ओ सॉरी सॉरी, वो डायरेक्टर वाली टोपी नहीं ना पहनी, इसलिए मैंने पहचाना नहीं. सर क्या फिल्म बनाई है, ऐसे ही फिल्में आप बनाते रहे, हमारा भी ध्यान रखो. कितने सालों से यहाँ घूम रहा हूँ, हमें भी रोल दो, चाहे मुझे हीरो के ऑपोजिट दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. हीरो के ऑपोजिट हीरोइन होती है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा. मैंने किसिंग सीन नहीं करना, ये मेरी थोड़ा सा फैमिली में रहा है. तो कॉन्ट्रैक्ट में करवाएगा कौन? जब मैंने मना ही कर दिया तो कौन करवा सकता है? ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है. ये तो सर राजी, हाँ जो ट्रेलर है उसमें मैंने ये देखा है कि वो फैमिली बच्चों के लिए आपको बड़ा परेशान कर रही है. सर सेम मेरे साथ हो चुका है सर. अच्छा. हाँ आपको फैमिली ने परेशान किया? नहीं, पुलिस ने नहीं, फैमिली ने तो कंप्लेंट की थी कि इस बंदे ने हमारे बच्चे की चैन उतारी है. अब क्या है कि छोटा सा बच्चा स्कूल, इतना बड़ा बैग, इतनी बड़ी गोल्ड की चैन, मैं कह उतार दो बच्चा गिर जाए. मैंने तो हेल्प की बच्चे की, मैं दुख नहीं दे सकता बच्चों का. मैंने तो बच्चों चिल्लाने लगा बच्चों, मैं कहा बेटे कोई बात नहीं, मेरा रोज का काम है, ऐसा कुछ नहीं होगा. पुलिस ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं नहीं, पुलिस ने रिस्पेक्ट की, मुझे लेके गया ऑफिस. वहां पे गर्मी बहुत थी, बर्फ की सिल्ली पे लेटा के मेरी इंटरव्यू की. अर्चना जी मेरी इंटरव्यू की, मेरे से सवाल किए सर आप कब से कर रहे हो, आपके ग्रो में कौन कौन है, कितने कांड कर चुके. मैंने एक एक जवाब बिल्कुल ठीक दिया, उनको इतना अच्छा लगा, 2 साल के लिए साइन कर लिया, मुझे जॉब मिल गई वहां पे. ऐसे कौन सी जॉब मिल गई? वो थोड़ी सीक्रेट है, अंदर की बात है. वहां पे 15-20 लोग थे, मतलब खाना पीना सब उनका, रहना सहना उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं. वहां पे सिक्योरिटी तो इतनी टाइट थी, मतलब बाहर से तो मिलने नहीं आ सकता हमको, कोई नहीं ना बाहर जाना ना. मतलब अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको जेल हुई थी. तू कह सकता है भाई, हम किसी की सोच थोड़ी बदल सकते हैं. तू कह सकता है, सोच तो मैं अपनी वाइफ की नहीं बदल सका. अच्छा. उन्होंने आपकी क्वीन मूवी देखी, कहती मैं भी अकेली जाऊंगी हनीमून मनाने. मैं क्या पागल. अरे वो फिल्में होती हैं फिल्में, असल में थोड़ी ऐसे होता है. दिमाग खराब है, अकेली नहीं जा सकती. अकेली जाके क्या करेगी? अगर जाना है तो पड़ोसी के साथ जा. नहीं चलो छोड़ो, सच में आपकी फिल्म बहुत अच्छी सुपर हिट होगी, जोरदार तालियां. ये मेरी दुआएं हैं, कमाल की फिल्म है. खैर नमस्ते सर, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया. कैसे? हाँ मैं बढ़िया एकदम. मैं चाय वाला हूँ. हाँ मेरे इधर बाहर चाय का दुकान है. अच्छा आप डायरेक्टर है ना? हाँ. अरे सब डायरेक्टर काम देते सबको. अरे नहीं बहुत अच्छा साहब. सर आपके लिए तो मैं क्या को बोलूँ साहब, मतलब रात को 3 बजे भी अगर आपको चाय पीने का मन करे साहब तो खुद बनाओ, रात को हम लोग काम नहीं करते साहब. रात का भी कोई काम वाम का अपना है नहीं. फ्लास्क फ्लास्क में डाल के दे. अरे साहब आपको तो किस में भी देंगे, लीजिए साहब आपके लिए स्पेशल एक. ठीक है. ये सर दर्द की गोली. ये क्यों? अरे आपकी एंट्री है भाई. मैं तो सिर्फ गोली दे रहा हूँ, प्रोड्यूसर ने तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी मंगवाई सबके लिए. अरे क्या आपको मालूम है, आपके गाने की वजह से मेरे को कल 100 रुपया मिला. कैसे? तेरे को 100 रुपया गाना? मैंने 100 रुपया. अरे मेरे ना दोस्त के साथ शरत लग गई. मेरा दोस्त बोलता है इस दुनिया में जेनरेटर से ज्यादा इरिटेटिंग आवाज हो ही नहीं सकती. मैंने उसको आपका गाना सुना दिया, मेरे को 100 रुपया मिल गया. लेकिन जो भी है बहुत महान आर्टिस्ट है, ऐसा बात नहीं है. बहुत साल से हम लोग साथ में भाई. हमारा इंडस्ट्री में कैसा रहता है भूमि जी, राजकुमार जी? कुछ लोग रहता है जो बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ लोग रहता है बहुत नाम कमाते हैं, कुछ लोग रहता है बहुत इज्जत कमाते हैं. ये आदमी ने तीनों चीजें नहीं कमाई. बहुत कमा ले. सही बात है बिल्कुल. कुछ लोग मेहनत से आते हैं, कुछ टैलेंट से. ये मामा से आया. सर मेरा फैमिली को बीच में मत घुसाओ. हाँ अरे घुस तो तू रहा है, कभी मामे के डांस में घुस जाता है, कभी लड़कियों के कपड़ों में घुस जाता है. सपना बने क्या है तू साहब? हाँ
सब आपके कुर्ते में दो जेब है क्या? है ना? तो उसमें हाथ डाल के चलते बनो ना। मैं थप्पड़ मार देना तेरे। हाँ तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी साहब। वो तो इस एपिसोड में नहीं पहनी ना। चेंज द टॉपिक। सब चाय लोगे? मैं ऐसी चाय नहीं पीता। तो एवोकाडो शेक पियोगे? ये क्या होता है? जब पता नहीं तो चाय पी के खत्म करो ना। है यार साहब, मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। मेरे हाथ की चाय पियो, आपका मुंह लाल हो जाएगा। चाय से मुंह लाल कैसे होता है? वो जहर भी डालूंगा ना मैं। यार साहब, कब तक चैनल ही जहर का चुस्की लेता रहे? ये कब से बकवास कर रही है? चल निकल जा से। वो चल निकल जा से। अबे तू झूठा। एक बार जोरदार तालियां बधाई दो की पूरी कास्ट के लिए। आइए डॉक्टर साहब, आइए राजपाल जी, भूमि, राजकुमार, हर्ष सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया हमेशा की तरह, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको बधाई दो के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शुभरात्रि। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।